बीजेपी में रहकर यदि कोई बात यह बात बोलता है या एनडीए की सरकार में रहकर, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन करना चाहिए, उस पर समर्थन वापस करना चाहिए यदि इतना सीरियसली ले रहे हैं तो। सिर्फ बोलने से नहीं, सबसे ज़्यादा हुई है माफियाओं पर अभी भी हंटर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ कि छीप पकड़ने से क्या होगा, जड़ पकड़िए ना, सोर्स कहाँ है। उन्होंने एक बार फिर आज सुबह प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा किसी हालत में होनी ही चाहिए, गरीब लोग जेल जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। देखिए, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से काफ़ी बयान आ चुका है शराबबंदी पर। शराबबंदी विफल है और शराबबंदी के पक्ष में हम लोग रहे हैं, लेकिन गरीब लोग नकली और जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में सरकार तो पिछले 5-6 साल से लागू की हुई है और नियंत्रण नहीं कर पाई, इनकी विफलता पर ही सवाल उठ रहा है ना। तो इसलिए यह बात पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से कहा जा चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। समीक्षा कमरे में बैठकर समीक्षा से इसका समाधान थोड़ा ही निकलने वाला है, और जो रिव्यू है वो कानून जो है उस पर रिव्यू करने की बात कोई उठा रहा है तो बिल्कुल सही उठा रहा है, क्योंकि ये समीक्षा का मतलब ये है कि आप या तो उसको सख्ती से लागू कीजिए कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो, कोई अवैध शराब यहाँ नहीं आए और शराबबंदी पूरी तरह लागू, नहीं तो उस पर रिव्यू कीजिए कि क्या किया जा सकता है कि जहरीली शराब पीकर लोग न मरे। यह प्राथमिकता का विषय होना चाहिए और यह पूरे देश से जो ओपिनियंस आए हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार को, और सरकार बीजेपी में रहकर यदि कोई बात यह बात बोलता है या एनडीए की सरकार में रहकर, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन करना चाहिए, उस पर समर्थन वापस करना चाहिए यदि इतना सीरियसली ले रहे हैं तो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ज़्यादा हुई है माफियाओं पर अभी भी हंटर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ कि छीप पकड़ने से क्या होगा, जड़ पकड़िए ना, सोर्स कहाँ है, कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से शराब आ रहा है। सारा बॉर्डर सील करने का दावा कर रहे हैं और पहले भी करते थे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहाँ है। सब जगह तो इंट्री हो रही है, शराब मिल रहा था लंबे समय से, अब अभी जो शराब मैंने पीकर कोई घूम रहा हो या उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, सप्लाई वाले पर अभी तक हाथ नहीं डाला गया। सर, एक अंतिम सवाल, राज्य के काबीना के एक वरिष्ठ मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि बिहार विधानसभा में जब शपथ पत्र लिया गया विपक्ष के दल के द्वारा, लेकिन अब उनका जो बयान आता है तो हमें ये लगता है कि शायद उनकी व्यक्तिगत कोई परेशानी है, ये क्या इशारा है। ये देखिए, ये सब जो है अनर्गल आलाप है, विफलता को छिपाने की तरह तरह से कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि शराबबंदी सरकार विफल रही शराबबंदी पूरी तरह लागू करने में, उसी का आलाप है और क्या है। बहाने खोजे जा रहे हैं, उदाहरण कहीं कोई, हम कह रहे हैं कि किसने मना किया कि कोई मतलब शराब हम लोग के में से कोई हो तो उसको आप नहीं पकड़िए, किसे मना किया क्या। तो अब सवाल उठता है कि कितने क्लिप्स जारी हुए, उसमें एनडीए के सब लोगों के भी क्लिप्स जारी हुए, तो क्या यही बहाना हो सकता है क्या शराबबंदी को फेल करने का। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान, अभी कॉल करें 844 82
777-903। और जिस सरकार ने पूरे बिहार में शराब के बिक्री का विस्तार किया, नौजवानों को शराब की लत लगाई, 7,500 पंचायतों में 15,000 शराब के दुकान खोले गए, और उस सरकार वह सरकार यदि कहती है कि हम गांधी हैं और गांधीवादी हैं तो यह विडंबना है उनको।